नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इससे पहले वाली जो कक्षाएं थी उनमें हमने पढ़ लिया है नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, नेटवर्क क्या होता है। साथ ही उसके बाद जो हमने कक्षा ली उसमें हमने पढ़ लिया नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में, यानी कि नेटवर्क की क्या क्या टोपोलॉजी होती है। ठीक है, आज की जो कक्षा है उस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो नेटवर्क होता है, जो संचार का माध्यम होता है, जिसमें कि डाटा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें जिन हार्डवेयर का उपयोग होता है, यानी कि जिन टूल का उपयोग होता है, टूल्स कहा जाता है हार्डवेयर को, जिन टूल्स का उपयोग होता है वो टूल्स कौन कौन सी है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में कई दफ़ा आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्किंग टूल्स हैं, है ना, नेटवर्किंग टूल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने डेफिनेशन देख ली कि नेटवर्किंग टूल्स होते क्या हैं। देखिए, डाटा का जो आदान प्रदान होता है ना, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हों या फिर टोपोलॉजी हो, उनके माध्यम से डाटा का जो आदान प्रदान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्किंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन जिन हार्डवेयर का उपयोग उसमें उपयोग होता है उनको हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्किंग टूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नेटवर्किंग टूल्स कहेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेट वर्किंग टूल्स अपना कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारी कुछ वर्किंग टूल्स होती हैं जो कि इस तरह के कार्य को संचालित करती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, या फिर अगर आपने एक दो बार सीपीसीटी इससे पहले दी हुई है तो आपने नाम सुना होगा कि हब क्या होता है, या फिर गेटवे क्या होता है, या फिर ब्रिज क्या होता है, या फिर रिपीटर क्या होता है, या फिर राउटर क्या होता है। तो इस तरीके के शब्द आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे। लेकिन यदि आपने पढ़ाई नहीं की, इनके बारे में आपने सोचा या समझा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें आपसे बनी नहीं होंगी। तो कुछ विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पे इंटरनेट वर्किंग टूल्स हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनेट वर्किंग टूल, इंटरनेट वर्किंग टूल। ठीक है, पहले नंबर पे जो इंटरनेट वर्किंग टूल हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, हब। क्या हो जाएगा, हब। दूसरी जो चीज़ इसमें आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्विच। क्या हो जाएगी, स्विच। तीसरी जो चीज़ इसमें आने वाली है वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रिज। तीसरी जो चीज़ आने वाली है वो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, ब्रिज हो जाएगी। ब्रिज के बाद चौथी चीज़ इसमें हमारी क्या हो जाएगी, गेटवे। गेटवे के बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा रिपीटर। छठे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, राउटर। अभी आप इनके सिर्फ शब्द शब्द लिख लीजिए, शब्दों के जो मीनिंग है, शब्दों की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा, प्रैक्टिकल तौर पे भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। इजीली आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले नंबर पर हमने क्या लिखा, हब लिखा है। हब के बाद हमने स्विच लिखा है। स्विच के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, अपना गेट लिखा है, ब्रिज लिखा है, गेटवे लिखा हुआ है। ठीक है, गेटवे के बाद रिपीटर लिखा है, रिपीटर के बाद हमने राउटर अपना यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कोई सी भी चीज़ में हमारी छूटी नहीं है, छः की छः चीज़ें, छः की छः चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो हमारी से पहले वाली क्लास हुई है मैंने कहा है कि आप शब्दों पे फोकस कीजिए, आपका काम वैसे ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हमें क्या करना है, अपने शब्दों पे फोकस करना है। जैसे पहला जो शब्द हमें यहाँ दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, हब। हब का मतलब क्या होता है, जैसे यदि आप लोगों को आईआईटी या नीट की अगर आपको तैयारी करनी है, तो मेनली आपके दिमाग में जो चीज़ आती है, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है, मैं आशा करता हूँ 95% बच्चों के दिमाग में सबसे पहला जो नाम आया होगा वो क्या आया होगा, कोटा। कोटा इसलिए आया होगा क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंग से जो कि नीट या आईआईटी जेई की तैयारी करवा सकती है वो कहाँ होंगी, हमारे कोटा में। यदि मैं आपसे कहूँ कि सॉफ्टवेयर से संबंधित सबसे ज़्यादा कंपनियाँ कहाँ होंगी, मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ कहाँ होंगी, या जहाँ सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पाए जाते हैं, तो क्या होगी वो चीज़ें, आपके मन में ख्याल आया होगा बेंगलोर। बेंगलोर हमारी सॉफ्टवेयर सिटी है। यदि मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा राजनेता कहाँ रहते होंगे, सबसे ज़्यादा नेता लोग कहाँ रहते होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी राजधानी दिल्ली में रहते हैं। तो एक हिसाब से जहाँ पे उस फील्ड से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तमाम तरह के लोग आपको वहाँ मिल जाएँ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हब क्या होता है, हब में क्या होता है, हब का मतलब सीधा सिंपल सा निकलता है कि हब में, हब वो स्थान होता है जहाँ पे तमाम तरह के आपके जो नेटवर्क होते हैं वो आकर मिलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि सारे जो नेटवर्क होते हैं वो कहाँ आके मिलेंगे, आपको हब पे आके मिलेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ के मिलते तो हैं,
यहाँ के मिलते हैं। अब हमें पता है कि प्रत्येक डाटा पे अपना क्या होता है, एक अच्छा खासा उसका एड्रेस लिखा होता है। उस एड्रेस के हिसाब से उसको उसके जो निर्धारित स्थान है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, हब करता है। तो हमने हब की डेफिनेशन देखी कि हब असल में होता है क्या है। हब की डेफिनेशन ये है कि वो स्थान जहाँ पर सारे सारे विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क है वो आके मिलते हैं और अपने अपने निश्चित स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, हब लेता है। तो हब तीन तरह का होता है। पहला जो इसमें हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव हब, क्या हो जाएगा, पैसिव हब। दूसरी जो चीज़ इसमें हो जाएगी पैसिव के बाद हो जाएगी हमारी इंटेलिजेंट हब, ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको इजीली याद हो जाएंगी। तीसरी जो चीज़ है इसके बाद पैसिव हब हो जाएगा, इंटेलिजेंट हब हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा स्विच हब, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा तीसरी जो चीज़ आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्विच हब अपनी हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, स्विचिंग हब हो जाएगी, ठीक है। पैसिव हब क्या होता है, इंटेलिजेंट हब क्या होता है, और उसके बाद जो हमारी ये स्विचिंग हब ये क्या होती है, तीनों के बारे में बताता हूँ आपको। पैसिव हब क्या होता है, देखिए पैसिव हब क्या होता है, पैसिव हब वह हब होता है जो कि डाटा को जाने के लिए या उसका जहाँ तक पहुँचना है उसको जाने के लिए जो उसको स्थान प्राप्त करे या जो उसको रास्ता दे वो हमारा क्या होता है, पैसिव हब होता है। क्या होता है, पैसिव होता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डाटा को उसके निर्धारित स्थान तक जाने के लिए जो रास्ता दे वो हमारा क्या होता है, पैसिव हब होता है। दूसरी बात है इंटेलिजेंट हब क्या होता है, इंटेलिजेंट हब क्या होता है कि रास्ता तो देता है, रास्ता तो देता है डाटा को जानने के लिए, साथ ही साथ उसकी क्या करता है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी करता है, क्या करता है, मॉनिटरिंग भी करता है। अब देखो इंटेलिजेंट लिखा है, हमें पता है कि हमारी क्लास में जो इंटेलिजेंट होता था वो क्या होता था, मॉनिटर होता था। तो जो मॉनिटरिंग करे वो क्या होता है हमारा, इंटेलिजेंट हब होता है। जो मॉनिटरिंग करे वो हमारा क्या होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। फिर क्या जाएगा हमारा, स्विचिंग हब हो जाएगा। फिर क्या जाएगा हमारा, स्विचिंग हब हो जाएगा। तो स्विचिंग हब में क्या होता है, ध्यान से देखना क्योंकि हम फिर स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्विच के बारे में पढ़ने वाले। तो स्विचिंग हब में क्या होता है कि प्रत्येक जो डाटा होता है उस पर अपना क्या लिखा होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस लिखा होता है। तो एड्रेस के हिसाब से जो रास्ता प्रदान करे वो क्या होता है हमारा, स्विचिंग हब होता है। तो ये तीन तरह के हब थे, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब और स्विचिंग हब, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि जो भी शब्द यहाँ पे यूज़ किया आपको पता चल जाएगा। पैसिव हब क्या होता है, पैसिव हब वो हब होता है जो डाटा को जानने के लिए रास्ता प्रदान करे और जो रास्ता तो दे पर रास्ते देने के साथ साथ उसकी क्या करे, मॉनिटरिंग भी करे, वो इंटेलिजेंट हब हो जाएगा। स्विचिंग हब क्या करता है, डाटा के एड्रेस के हिसाब से उसको रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, स्विच की। किसकी बात कर लेते हैं, स्विच की। स्विच भी क्या है, एक तरह का नेटवर्किंग टूल ही है हमारा। अब स्विच क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो बिजली के स्विच जो होते हैं अगर आप उसको निकाल लोगे तो बिजली का जो आगमन है वो क्या हो जाएगा हमारा, बाधित हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे स्विचिंग हब के बारे में पढ़ा, स्विचिंग हब के बारे में जो हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने एक बात देखी थी कि हर डाटा पे अपना क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है और एड्रेस के हिसाब से जो रास्ता प्रदान करे वो स्विचिंग हब होता है। तो स्विच क्या होता है, ये भी यही होता है कि समान तरह का जो एड्रेस लिखा है, समान एड्रेस अगर लिखा है तो ये उस डाटा को उस दिशा में जाने देगा, समान एड्रेस वाले डाटा को मार्ग प्रदान करता है। कौन करता है, स्विच हब करता है, स्विच करता है। स्विच का काम क्या है कि अगर उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, उस डाटा पे अपना एड्रेस लिखा हुआ है और उसका रास्ता वही है तो ये उसको जाने देगा, ठीक है। बिजली के हिसाब से अपन देख लेते हैं, यदि अपन ने स्विच निकाल दिया तो बिजली का जो आवागमन है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, एड्रेस आता है। फिर हमारा क्या जाता है, ब्रिज आ जाता है। ब्रिज का काम बेसिकली यदि हम लोग देखें तो ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है कि दो समान तरह की जो सतह होती है उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि नदी पे जो ब्रिज बनता है तो उसकी इस साइड भी सतह होती है, इस साइड भी सतह होती है। रेलवे का जो ब्रिज बनता है इस साइड भी सतह होती है, इस साइड भी सतह होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, समान तरह के जो डाटा होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो टूल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा ब्रिज कहलाता है। ये हो गया हमारा ब्रिज। ब्रिज में एक चीज़ अपन स्पेशल और देख लेते हैं, तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज दो समान तरह के जो लैन नेटवर्क होते हैं, लैन का मतलब हमें पता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। क्या करता है, उनको आपस में जोड़ता है। देखिए आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ यहीं से उठ के आ जाएंगे। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल पढ़ने की कोई आवश्यकता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसी बोर्ड से आएंगे, यहीं पे लिखे हुए आएंगे और जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये चीज़ हमने पढ़ी थी और ये चीज़ यहाँ पे आपकी आई है, ठीक है। तो क्लास को लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए,
आपको हूबहू यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा हमेशा से होता है, पहली बार ये चीज़ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं गेटवे की। इस तरीके से याद करवाऊंगा गेटवे आपको कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा बताओ इंडिया गेट कहाँ पे? इंडिया गेट कहाँ पे? हमारे दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहाँ पे? मुंबई में। तो मुझे एक बात बताइए कि जो मुंबई में हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, इसको गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इसको इंडिया गेट क्यों नहीं कहता है? इसको इंडिया गेट क्यों नहीं कहा जाता है? मुंबई में जो हमारा दरवाजा है, इसको गेटवे ऑफ इंडिया ही क्यों कहते हैं? जो दिल्ली में है उसको इंडिया गेट क्यों कहते हैं? तो जो मुंबई में स्थित है उसको गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो अलग अलग तरह के जो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ता है। अब वहाँ पे नेटवर्क क्या होगा और अलग अलग तरह के नेटवर्क क्या हो गए, तो कभी आप उसको देखना, गूगल करना है, टीवी वगैरह में आप उसको देखना, उसके एक साइड बिल्कुल समंदर है और उसके एक साइड सतह है। तो हुए दो अलग अलग तरह के नेटवर्क, एक साइड पानी है और दूसरी तरफ सतह है। तो जहाँ पर दो भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ा जाए, जहाँ पर दो भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ा जाए, वहाँ क्या होता है? हमारा गेटवे होता है। वहाँ क्या होता है? हमारा गेटवे होता है। इसीलिए तो मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और इंडिया गेट को इंडिया गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ समान तरह की सतह है। ठीक है, दरवाजा होता है हमारे घर का, गेट होता है, तो वो गेट इसीलिए तो होता है, उधर जाओगे तो भी सतह, इधर जाओगे तो भी सतह है। ऐसा तो है नहीं कि उधर हवा है ना, जबकि मुंबई में अलग चीज़ है, एक साइड पानी एक साइड सतह, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। देखो दिमाग लगा के लिखा उन लोगों ने भी नाम। रिपीटर हम लोग पढ़ लेते हैं, रिपीटर के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? अपना राउटर पढ़ लेते हैं। रिपीटर को हमने देखा, रिपीटर का सबसे बढ़िया काम मैं आपको बताता हूँ। देखो डाटा क्या होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसकी दूरी अगर लंबी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसकी दूरी अगर लंबी है, तो जाहिर सी बात है लंबी दूरी करने में डेटा की क्या हो जाएगी? स्पीड कम होगी। हम ही अगर लंबा दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो स्पीड है थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 100 मीटर दौड़ना है तो फिर हम पूरी ताकत से दौड़ेंगे। अगर हुसैन बोल्ट साहब कहो कि आपको मैराथन दौड़ना है, तो हुसैन बोल्ट जो 100 मीटर में जो दौड़ता है, जाहिर सी बात है उतना तो पूरा दौड़ नहीं पाएगा, है ना। तो डाटा की स्पीड कम हो जाती है, डाटा की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रिपीटर का काम क्या होता है कि डाटा की स्पीड को बढ़ा देना, डाटा की स्पीड को बढ़ा देना। अब बताओ मुझे कि ये हमने कहाँ पढ़ा था? तो ये हमने पढ़ा था जब हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था कि रिंग टोपोलॉजी में क्या लगा होता है? एक रिपीटर लगा होता है जो कि डाटा की गति को बढ़ा देता है, जो कि डाटा की गति को बढ़ा देता है। तो ये क्या हो गया? हमारा रिपीटर हो गया। रिपीटर के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? राउटर के बारे में। राउटर IMP चीज़ है, इसीलिए पूरा फोकस राउटर पर हमारा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? राउटर की। तो हम सभी को पता है कि जो डाटा होता है हमारा, उसको राउटर क्या करता है? छोटे छोटे जो डाटा संकेत जो होते हैं हमारे, उनको छोटे छोटे पैकेट में क्या करता है? विभाजित करता है। कौन करता है? राउटर। राउटर क्या करता है? इसे एक लंबा जो डाटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट में क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है। पैकेट में डिवाइड तो करता है, साथ ही इसका दिमाग भी लगाता है। ये क्या करता है? उनको सबसे छोटे मार्ग से भेजता है और सबसे तेज जो मार्ग होता है उस मार्ग से भेजने का काम कौन करता है? हमारा राउटर करता है। यानी कि पहले डाटा को क्या करता है? टुकड़ों में बांटता है, फिर वो मार्ग देखता है कि सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, फिर देखता है कि सबसे फास्ट मार्ग कौन सा है। उस तरीके से डाटा को भेजने का काम कौन करता है? हमारा राउटर करता है। तो यदि क्वेश्चन बने सीधा सा कि वहाँ कौन सा डिवाइस है या कौन सी टूल है जो डाटा को पैकेट्स में विभाजित करता है और सबसे फास्ट और सबसे शॉर्ट जो रास्ता होता है उससे भेजने का काम करता है, कौन? तो ये काम कौन करता है? हमारा राउटर करता है। ठीक है, राउटर करता है। इसके बाद देखिए तो क्या करता है कि ये जिसे अंकित पता होता है उन पे क्या होता है? अपना खुद का एड्रेस लिखा होता है। जो डाटा के पैकेट होते हैं उन पे अपना एड्रेस लिखा होता है। तो एड्रेस को पढ़ के जो उसका सही एड्रेस है वहाँ तक भेजने का काम भी कौन करता है? हमारा राउटर करता है। वहाँ तक भेजने का काम भी कौन करता है? हमारा राउटर करता है। ठीक है, इस काम को करने के लिए इसमें क्या लगी होती है? एक राउटिंग टेबल लगी होती है। क्या लगी होती है इस काम को करने के लिए? उसमें एक राउटिंग टेबल लगी होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने गेटवे पढ़ा था, तो गेटवे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे IMP क्या? इंटरनेट वर्किंग टूल। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और डेली क्लास देखना है, पढ़ना है, अपना ध्यान रखना है। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।